सो हे गेमर्स, जैसा कि आपने चाइल्डहुड एसएमपी के लास्ट एपिसोड में देखा था कि हीरो ब्रायन की पावर ढूंढ के वापस दिलाने के लिए मैं जाता हूँ क्रेशु भाई एंड फ्लेम भाई से हेल्प मांगने, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया बिकॉज यार उन लोगों को मेरे पे भरोसा ही नहीं था। उसके बाद मैं अगेन जाता हूँ हीरो ब्रायन के पास में एंड हीरो ब्रायन मेरे को खुद के विलेज का एड्रेस बताता है जो कि वो नहीं बताना चाहता था। देन मैं जाता हूँ हीरो ब्रायन के विलेज में एंड वहां पे मिलता है मेरे को उस विलेज का चीफ। अब जैसा कि हीरो ब्रायन ने मेरे को कहा था कि वो चीफ तुम्हारी जरूर हेल्प करेगा, बट उसने मेरी हेल्प करने के लिए मना कर दिया एंड उसने कहा कि हीरो ब्रायन अभी जिंदा नहीं है बिकॉज यार उनके अनुसार हीरो ब्रायन मर चुका था। पर हाँ, मैंने जब हीरो ब्रायन के जिंदा होने के उसे सबूत दिए, काफी सारी बातें की हीरो ब्रायन के बारे में, तो उसको यकीन हुआ कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। उसके बाद में वो बंदा मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया एंड हम दोनों ने मिलकर चीप ने और मैंने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम दोनों हीरो ब्रायन की पावर वापस दिलाएंगे और उसके लिए हम निकल जाते एक बहुत बड़े एडवेंचर पे। तो सबसे पहले हमें ढूंढना था हमारे वर्ल्ड के एंटिटी के नीचे जितने भी बंदे काम करते हैं उनका एड्रेस, और उनका एड्रेस करके उनसे पूछना था कि क्या हीरो ब्रायन की पावर का हमारे वर्ल्ड के एंटिटी से कोई रिलेशन है या नहीं है। ये सब जानने के लिए हम निकल पड़े एक ऐसे बंदे को ट्रेप करने जो कि हमारे वर्ल्ड के एंटिटी के नीचे काम करता था, एंटिटी के लिए काम करता था। और उसके बाद में जो खतरनाक खतरनाक चीजें हुई, जो चीजें हुई देख के आपको सच में मजा आ जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्लीज से प्लीज लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल पर पहली बार आए हो तो। अरे क्या कर रहे हो, इधर आओ इधर आओ, उधर वो देख लेगा फिर से यार, इधर आओ, उधर ही है उसका विलेज। तो हाँ, जैसा हमने प्लान बनाया था वैसा समझ चुके हो सारा? ओके, तो भाई मैं आपको बताना भूल गया, हमारे दिमाग में बहुत खतरनाक प्लान है अभी हमने बनाया कि मैं जाके उस बंदे से मिलूंगा, अगर वो खुशी खुशी बताएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये उसके ऊपर स्लोनेस का पोषण डालेगा एंड ये स्लोनेस का पोषण है ना, जो इसके पास स्लोनेस का पोषण है ये काम करेगा लगभग 30 मिनट तक, और 30 मिनट में तो हम उसको ट्रेप करके कहां से कहां ट्रेप कर लेंगे एंड उसके बाद में तो उससे उगलवा लेंगे कुछ भी करके। तो ठीक है, मेरे पीछे पीछे हो, कुछ भी मत करना, यहीं विलेज में रहता हूँ, एक बार देख लेता हूँ मैं, और इसमें तो विलेजर है लेकिन कुछ ना कुछ तो सीन होकर रखा है यार, आओ मेरे पीछे पीछे आराम से आना। उसको पता लग गया तो मेरे को लगता है हमको देख के रुकेगा ही नहीं भाई वो। ओके, किधर है वो? हाँ, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ भाई, विलेजर देख रहे हैं। अरे भाई मैं बस तुम्हारे पास ऐसे मिलने आया हूँ। किधर है किधर है किधर है, इधर मेरे पीछे पीछे रहना, दिख गया दिख गया, पूरा मेरे को दिख गया दिख गया। तुम एक काम करो, यहीं रहो तुम, यहीं रहो तुम, यहीं रहो, मैं उससे मिलता हूँ। किधर हो तुम? इधर, यहीं रहो ना, यहीं रहो, हाँ यहीं छिपे रहो, मैं देखता हूँ उसको ना, उधर पूरा इधर उधर घूम रहा है, मैं उससे बात करता हूँ पहले ना, ठीक है? मैं जब बोलूँ ना मैं इशारा करूँगा कि मैं क्या बोलूँ क्या, मैं तो बोलूँगा कि आ जाओ बोलते ही तू आ जाना, ठीक है? भाई ये बंदा पता नहीं क्या ही कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा है। एक सेकेंड, भाई दो विलेजर उधर हैं, ये बंदा इधर है, भाई ये इतने टेबल्स रख रखा है। हेलो भाई, मेरे को ना कुछ काम है। अरे भागो मत, अरे मेरे को एंटिटी ने भेजा है, रुको रुको, भागो मत, रुको, अरे रुक जाओ यार, मेरे को एंटिटी ने भेजा है यार, मैं मारूंगा नहीं, ये लो मैं सोड रख लिया, ये सोड रख लेता हूँ मैं, रुक जाओ मैं नहीं मारूंगा, ये लो मेरे को एंटिटी ने भेजा। मेरे को ना एक बात पूछनी थी, बताओगे? जो मेरे को ट्रेप किया था ना आपने, तो अरे अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुको, आ जाओ, रुको, सुनो, उधर आओ, मेरी तरफ देखो, हाँ सुनो, अब ना मेरे को ना एक काम था, वो एक्चुअल में क्या था ना, वो एंटिटी ने फिर से बोला था कि मेरे को अभी वो करना था, आ जाओ है ना, तो वहाँ से कुछ मिल सकता है मेरे को, उस फैक्ट्री से मिल सकता है? अब भागना, अब भाग, कहाँ भागेगा, भाग भाग साले, भाग भाग कहाँ भागेगा, अब भाग भागना, भागेगा, ट्रेप करेगा, मारो इसको, मार, बच के भी कहीं जाएगा। अरे देखो, इसको स्लोनेस का पोषण लग चुका है, अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहाँ भागेगा बोल, अब सुन, तुम तेरे को बताना ही होगा, नहीं तो बेटा तू गया काम से। सबसे पहले वो ट्रेप तैयार कर, इसके लिए ट्रेप तैयार कर, मैं इसको यहीं देख रहा हूँ, जाओ तुम ट्रेप तैयार करो, जल्दी जाओ टॉर्चर करने के लिए ट्रेप तैयार करो तेरी। अब सुन देख, तेरे को लग चुका है 30 मिनट तक स्लोनेस का पोषण एंड तू कहीं नहीं जा पाएगा, अगर जैसे ही 30 मिनट वाला हटेगा मैं तेरे को इन्फिनिट टाइम वाला दिला दूंगा, तो पहले मेरी बात माननी होगी तुम्हें, एंटिटी को बुलाएगा, मेरे को ट्रेप करेगा, मेरे को पहले बता दे यार, ये बंदा पता नहीं क्यों नहीं बताएगा, तो बिना गर्दन हिला रहा है भाई, क्या है बंदा, मर क्यों नहीं रहा है? देखो सुनो, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता, तुम्हें छोड़ दूंगा पर मेरी बात माननी होगी तुम्हें, तो अब मेरे को बताओ ना, मेरे को ट्रेप किसने किया ये बताओ भाई, यार ऐसा नहीं मानेगा, रुक जाओ, इसका एक टॉर्चर रूम तैयार हो रहा है एंड ये 30 मिनट तक कहीं नहीं जा पाएगा, एंड हो वो जो चीप है ना, चीप इसके लिए टॉर्चर रूम तैयार करेगा और फिर तेरी तो ऐसी बैंड बजने वाली है ना बेटे, तू चला जाएगा काम से, बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे पे, रुक जा, तू कहीं नहीं जा पाएगा, यहाँ से हिल ही नहीं पाएगा, और तेरे को छुड़ाने के लिए बेटा तेरा एंटिटी पे नहीं आ रहा यहाँ पे, समझ ले कि तू, तेरा खेल खत्म है, तू नहीं जा पाएगा यहाँ से। A few minutes later.
इसको तो यार वैसे मैंने यहाँ खड़ा कर दिया और मेरे को कितनी देर हो गई वेट करते हुए, अभी तक यार वो चीप नहीं आया, पता नहीं कहाँ कहाँ है यार। अच्छा आ गया क्या ये रहा? ओके मैं बात करता हूँ इससे, क्या हो गया काम ट्रिप वाला? तो ले चले इसको ट्रिप में, कितना दूर है? ओके यहीं पास में ही है, ठीक है। तो इसको देखो, अभी देखो तुम्हें क्या करना है भाई, देखो अगर तूने हिला ना मैं तेरे को बकेट दे रहा हूँ, अच्छा जो चीफ ने बकेट दी थी मेरे को वो बकेट दे रहा हूँ, मिल्क बकेट, तुम्हारे इफेक्ट हट जाएंगे। अगर तूने थोड़ी सी भी हरकत की तो देख लेना मार देंगे। तुम्हारे पास सोड है? सोड तुम्हारे पास? हाँ ठीक है सोड निकाल लो, अगर ये थोड़ा सा भी हिले ना तो इसको मार देना यहीं पे। ले पकड़, जहाँ ये चीप चलता है वहाँ ले, वहाँ चल, ये पी ले, ये पी तो सबसे पहले ये पी, जिससे तुम्हारे सारे इफेक्ट हट जाएंगे, जल्दी पी। हाँ ठीक है चलो चलो इसके पीछे चलो 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 इसके पीछे मैं हूँ, हाँ चलो लेके चलो लेके चलो इसको लेके चलो। अगर तूने हिलने की कोशिश की तो तू चला जाएगा, चल उसके पीछे चल। पता नहीं यार चीप ने ट्रेप कहाँ बनाया, एंड होप करता हूँ अच्छा ही बनाया होगा। चल भाई चल, कहाँ कितना दूर हो रहा है, भागने की कोशिश मत करना भाई, देखना चल इधर। ओके अरे भाई कहाँ बनाया, सीक्रेट बनाया शायद से। चलो लेट्स गो ब्रो। ओके इसके पीछे, अच्छा यहाँ है क्या? ओके 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 ठीक है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, हाँ अच्छा रुको रुको यहीं रुको मैं बात करता हूँ, कहाँ क्या करना है बताओ क्या करना है। ए चल उसमें चल, अंदर चल अंदर चल, चल उसमें चल, उसमें चल अंदर चल। ओके तो यार देख चीप बोल रहा है कि तुम्हें इसके अंदर जाना होगा, तेरे को जाना होगा भाई देख। अरे भाई भाग जाएगा, इसका ध्यान रखना, जा इसके अंदर चल, चल इसके अंदर चल, चल ना चल, देख मर जाएगा, चल इसके अंदर चल ले, चल ले चल अंदर, चल ले चल ले अंदर, चल एक काम कर चल, चलो ओके चल अंदर चल अंदर चल। ओके बंद कर दो चीप, इसको ग्लास लगाना है, ऑब्सीडियन लगाना जो लगा, अच्छा ठीक है ओके। अरे वो उसको इफेक्ट तो दो, स्लोनेस का इफेक्ट दो उसको। ओके मेरे पे भी लग गया क्या? नहीं मेरे पे नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं ठीक है, अभी वो नहीं हिल पाएगा, नहीं पाएगा, नहीं हिल पाएगा। ओके मैं इसको मार सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, वेट एक इधर चल, उधर चल, उधर चल, चल चल उधर कोने में। हाँ तो अभी यहाँ से हम इसे पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। अच्छा तो तू बताएगा कि नहीं बताएगा, पहले बता एंटिटी के सीक्रेट्स। नहीं भाई तेरे को ट्रेप कर दिया, रुक जाओ मैं इसको ये पूछ के आता हूँ कि ट्रेप किए इतने लीवर है किस काम के। ओके तो मैंने चीफ से बात किया एंड सच में ये बंदा प्रोफेशनल ट्रेप मेकर है भाई, क्या खतरनाक किसके फीचर्स है अभी बताता हूँ आपको। अभी सबसे पहले इसमें हम इसको टॉर्चर कर सकते हैं किसी भी टाइप से, ज़ॉम्बी स्पॉन करा सकते हैं, स्केलेटन स्पॉन करा सकते हैं, एंड और भी एक चीज़ दिखाता हूँ। देख भाई तू बताएगा कि नहीं, ये बता लास्ट बार बता मेरे को, रुक जा तू क्या तेरी छाया बताएगी। ये बनाया एंड ले भाई देख, अब तू टॉर्चर होएगा अंदर, देख ये इसको मैंने हटा दिया, अब बता कितना 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 मार पाएगा ये देख, अभी देख ये ले एंड अच्छा कितने होगा वो, अच्छा मेघमा वाले से, रुक जाओ रुक जाओ। अब बेटा तू गया काम से, बोल अब बोल, तू मार ले भाई कितना भी मार ले, तेरे को तू तेरे को बताना ही पड़ेगा देख, ऐसा नहीं मानेगा, रुक रुक जा देख, इतनी सिंपल सी बात है तो इनको मार भी देगा ना तब भी तू बच नहीं पाएगा, देख अभी तेरे को बता दूं। ओके मार दिया, अरे भाई ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी देख अभी सबसे खतरनाक सबसे ज्यादा टॉर्चर करने वाला तेरे को ट्रिप को अभी देख दिखाता हूँ तेरे को। और भाई ये देखना तू, और बता अब तू ऐसा ही करता रहेगा, देखा मैग्मा ब्लॉक लगाया बैठे नीचे एंड तू गया काम से, जब तक तू हाँ नहीं भरेगा तब तक ये ट्रिप काम करता रहेगा, यहाँ तक कि तेरे को देगी अभी तेरे को बताता हूँ। ये यहाँ किया इसने बंद एंड यहाँ से स्केलेटन, अब बता बेटे, बोल अब बोल, मार के देख इसको, तू गया काम से मैं बोल रहा हूँ, जब तक तू कुछ तो बोलेगा, कुछ तो बोल, बोलेगा कि नहीं बोलेगा तब तो मैं इसको मार दूँ। हाँ बोल रहे को तैयार बंदा, रुक जाओ रुक जाओ, ये इसमें अच्छा कैसे लगता है वो, कैसे लग गया लग गया लग गया, ठीक है अब तू स्केलेटन इसको मत मार भाई, अब हमारे काम का ठीक है, नहीं मारूंगा मैं इसको, स्केलेटन को नहीं मारना हमको, तो ठीक है बताएगा कुछ? ओके ठीक है, तो यार ये बंदा कुछ बताने के लिए तैयार है, मैं इससे कुछ पूछ के आता हूँ भाई, एंटिटी के बारे में सीक्रेट्स बताएगा, रुक जाओ। ओके तो मैंने इस बंदे से बात की है और ये वाला बंदा कुछ सीक्रेट्स बताया एंटिटी के। पहली बात तो इसने बताया कि जो टोनी है, आई मीन जो हमारे असेंबली में टोनी है, वो बंदा एंटिटी के लिए अब काम करने लगा है,
एंड वो जो एंटिटी बोलता है अब टोनी करता, अब टोनी के पास वो ट्राइडेंट है, ये इसने बोला। मेरे को तो नहीं लगता, सच बोल रहा है ना तू? देख लेना, झूठ बोलते तो यहीं आके बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। हाँ तो ये बोल रहा है कि टोनी को तुम जाके चेक कर सकते हो, टोनी से तुम ट्राइडेंट मांग सकते हो, टोनी तुम्हें फाइट करके हरा देगा क्योंकि उसके पास वो वाला ट्राइडेंट है, वो जो पावरफुल एक बार एंटिटी ने मेरे को दिया था वो वाला ट्राइडेंट अब टोनी के पास है। तो अब हम चलते हैं, यहीं तेरे को यहीं रहना होगा। और ठीक है चिप, देखो मेरी बात सुनो, अभी क्या करना होगा, तुम्हें इसको बंद करके जाना होगा यहाँ से, ऑब्सीडियम से, एंड हाँ तेरे को यहीं रहना होगा, समझ लिया? अगर तूने कुछ गलत बोला तो मैं वापस आके मार दूंगा। ओके, तो ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि अब आपका काम तो हो गया है, मतलब एंटिटी की सीक्रेट तो बता दिए हैं, सबसे खतरनाक सीक्रेट यही था कि टोनी उसके लिए भी काम कर रहा है, तो अभी मेरे को जाने दो। तो भैया मैं देख, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें अभी, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक एंटिटी ट्रेप नहीं हो जाता तब तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ये देख लेना, यहीं रखूंगा तुम्हें। ठीक है भाई, चलो चिप चलते हैं यहाँ से, है ना? इसने कुछ तो बताया एटलीस्ट, चलो आ जाओ, यहाँ ऑब्सीडियम लगा देना, अनब्रेकेबल, चलो भाई। ओके, तो अब ना मेरे को चलना होगा यहाँ से, और हाँ सबसे पहले टोनी से मिलना होगा, क्योंकि यार टोनी ऐसा कर सकता है, कर सकता है क्यों नहीं, मैं भी जब फंस सकता हूँ उस एंटिटी के ट्रेप में, एंटिटी के जाल में, एंटिटी के बनाए हुए प्लान में, तो टोनी तो भाई बिल्कुल फंस सकता, क्यों नहीं फंस सकता भाई, वो फंस सकता है। चलो चलें, तो नेट वहाँ लगा दिया ऑब्सीडियन। ओके ठीक है, चलते हैं टोनी के पास, सबसे पहले आ जाओ, लेट्स गो। ओके, तो हम टोनी को ढूंढते बहुत आगे तक आ गए हैं, एंड देखो मेरे साथ चीप भी है भाई, यहाँ स्नो बायोम में आ गए हैं। और हाँ यहाँ पे इसमें क्या है, एक बार देख लेता हूँ मैं कुछ तो। ओके, गोल्डन एप्पल मिला, ठीक है एक गोल्डन एप्पल मिल गया। तो यहाँ पे बहुत दूर आ गए हम, और अभी इसने चीप ने बताया मेरे को कि देखो अगर टोनी एंटिटी के नीचे काम करता होगा, एंटिटी का ट्राइडेंट टोनी के पास में होगा, तो टोनी हमें बताएगा भी क्यों ही। तो इसके दिमाग में एक आइडिया है, इसने बोला है कि मैं जाके टोनी को ढूंढूंगा, एंड ये एक ट्रेप बनाया गया स्नो बायोम में, और उसको टोनी को किसी भी बहाने से मैं लेके आऊंगा, वैसे भी टोनी तो हिप्नोटाइज है ना, तो टोनी को मैं लेके आऊंगा एंड उसमें फंसा देंगे, उसमें मार देंगे, उसके बाद में वो हिप्नोटाइज हट जाएगा, देन उसके बाद में अगेन उसको वहां फंसा के पूछेंगे कि क्या तू एंटिटी के लिए काम करता है कि नहीं, अगर वो बोल दिया सच तो ठीक है, और हाँ उसको मारने के बाद वैसे भी हमको पता लग जाएगा उसकी इन्वेंटरी में हमें ट्राइडेंट मिल जाएगा, तो हम छीन लेंगे वाला ट्राइडेंट, टोनी से ले ही लेंगे, बिकॉज मेरे को लगता है ना जो भी एंटिटी के साथ काम करता है उसको एंटिटी एक ना एक दिन शायद से मुसीबत में डाल देता, जैसा कि अभी मेरे को डाला भाई, मेरे को ट्रेप करने वाला था एंटिटी, तो क्या तुम ट्रेप यहाँ बना सकते हो स्नो बायोम में? हाँ तो ठीक है, तुम यहाँ स्नो बायोम में ट्रेप बनाओ, मैं टोनी को ढूंढ के लाता हूँ, वैसे भी टोनी तो मेरी बात ही मानेगा क्योंकि हिप्नोटाइज है, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम बनाओ यहाँ पे, किधर बनाओगे? हाँ ठीक है, इधर बना लो, मैं ठीक है मैं टोनी को लाता हूँ ढूंढ डांट के इधर से। तो अभी मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, टोनी को लाना सबसे पहले, और टोनी को ट्रेप में फंसाना है, उसके बाद में टोनी को मारना है। अब मारूंगा तो पक्का हिप्नोटाइज से तो हट जाएगा, मतलब जो टोनी अभी हिप्नोटाइज है वो बाद में मारने के बाद नहीं रहेगा, मतलब जब मैं मार दूंगा उसको तो वो हिप्नोटाइज नहीं रहेगा। एंड हाँ वन मोर थिंग, उसकी इन्वेंट्री में अगर सामान मिल गया मेरे को ट्राइडेंट, तो फिर समझ लेना कि सच में वो एंटिटी के लिए काम करता है, एंड मेरे को पूरा भरोसा है उस बंदे पे, क्योंकि यार उस बंदे की जान खतरे में है, वो झूठ क्यों ही बोलेगा, मेरे को उसने सच बताया होगा कि टोनी काम करता है एंटिटी के लिए, तो अभी मेरे को टोनी को ढूंढना होगा, गांव में मेरे विलेज में ही होगा शायद से आसपास में, तो मेरे विलेज में चल के देखता हूँ, मेरा विलेज ओके उधर ही है, हाँ यही है मेरा विलेज, चलो यहाँ चल के देख लेते हैं, एंड मे भी यहाँ टोनी मिल जाए मेरे को। ओके तो देखो यार सामने वैसे मेरा ये कासल इधर है, देखो आपको कासल नहीं दिख रहा होगा, और ये विलेज है, और एक मिनट वो टोनी है, टोनी को इधर ही बोला था मैं रहने के लिए। हेलो टोनी भाई, हेलो हेलो हेलो, हाँ अरे क्या कर रहा है इधर, मैं तेरे को कासल में रहने के लिए बोला था, मैं तो ऐसे घूम रहा, और तू कब बोला था मेरे को कासल में रहने के? अच्छा मैं नहीं, अच्छा ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, ये तू नेदरराइट का आर्मर वगैरह कहाँ से लाया, तेरे पास तो नहीं था ना ये? भाई अपने काम से काम रख रहा, ये सब तेरे को क्या जरूरत है? ओके ठीक है, मैं एक सेकंड यहीं रुको, मैं आया। ओके तो यार अभी मैं टोनी को ना वीसी से म्यूट किया हूँ, एंड पता नहीं टोनी को क्या हो गया, या तो टोनी को किसी ने मार दिया, या सच में टोनी एंटिटी के लिए काम करता है, क्योंकि मैं जो हिप्नोटाइज करके रखा था वो अभी इस पे पावर नहीं काम कर रही मेरी, और वो ऐसा भी हो सकता है कि एंटिटी ने मेरी सारी पावर छीन ली हो। अच्छा टोनी, मैं टोनी ये बोल रहा था कि देखो तुम किसी ऐसे एंटिटी को जानते हो, इनविजिबल एंटिटी को, ऐसा कुछ? नहीं मैं एंटिटी किसको नहीं जानता भाई। अच्छा कहाँ, मैंने सुना है कि तुम उसके लिए ऐसा कुछ तुम एंटिटी को जानते हो थोड़ा बहुत, कहीं किसी कहीं एंटिटी हमारे वर्ल्ड में उसको? नहीं मैं किसी एंटिटी को नहीं जानता भाई। अच्छा तो मेरे पास अभी घर नहीं है ना, तो खुद का नहीं, घर तो नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा तो अभी तुमको घर चाहिए, बहुत बहुत बड़ा मतलब है, स्नो बायोम में है घर है बहुत बड़ा, ये मेरे वाले से भी बड़ा ही है। अच्छा तो चाहिए तेरे को घर तो चाहिए भाई फिलहाल? हाँ डायमंड्स, बहुत सारे नेदरराइट डायमंड्स आर्मर वगैरह तेरे को वहीं मिल जाएंगे, पर हाँ हमें इसके लिए थोड़ा छोटा सा एडवेंचर करना होगा, तुमको मेरे साथ देना होगा। देख भाई देख यार, तेरे पे तो भरोसा नहीं कर सकता, फिर तू घर की बात कर रहा है तो आ सकता हूँ मैं।
हाँ तो ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ चलना है तुम्हें, एंड हाँ छोटा सा एडवेंचर करना है, तो उसके बाद में तुम्हारा घर हो जाएगा, वो मेरा तो है, मैं तो क्या ही करूँगा लेके, तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरे को दे दूँ। अच्छा तो ठीक है, तो फिर चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ, आ जाओ। A few minutes later. तो टोनी ऐसा मैं क्या बोल रहा था, देखो तुम यहाँ एक मिनट रुको, मैं उस बंदे से मिल के आता हूँ जिससे मेरे को मिलना है, क्योंकि देखता हूँ वो आया कि नहीं, तुम यहीं रुक सकते हो। फिर कहाँ जा रहा है भाई तू? अरे नहीं बस एक मिनट रुकना होगा तुम्हें यहीं पे, बस एक या दो मिनट में मैं आता हूँ वापस, है ना? अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ यहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। ओके तो मैंने टोनी को ना, अरे सामने चीप भी मिल गया मेरे को, और मैंने टोनी को इसी से म्यूट कर दिया, और इससे पूछता हूँ कि ट्रेप बनाया कि नहीं भाई, कब तक कितनी देर होगी, कम से कम 20-30 मिनट हो गई होगी। हेलो भाई चीप, हेलो चीप, हेलो इधर देखो, ट्रेप बनाया? कहाँ है ट्रेप? अच्छा ये ओ स्नो वाला ट्रेप है, तो इसके अंदर मैं जाके देखूं? अच्छा ठीक है मैं नहीं जा रहा, मैं उसको लाता हूँ, टोनी को लाता हूँ इधर, है ना? और तुम छिप जाओ, यहाँ नहीं रहना, छिप जाओ कहीं पे, है ना? ठीक है मैं लाता हूँ। ओके ट्रेप पूरी तरह से तैयार है, अब मैं यहाँ टोनी को आके मार सकता हूँ। एंड हाँ मैं को मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यार मेरे को ना टोनी पे शक है, अगर उसके पास ट्राइडेंट रहा ना तो उसकी इन्वेंटरी से मेरे को मिल जाएगा, बाकी मेरे को कोई लेना देना नहीं है। एक मेरी सी हो, हेलो टोनी। हाँ भाई हाँ चलो आ जाओ, चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो बंदा अभी आने वाला है, तो मैं देखा आगे जाके देख रहा हूँ रास्ता क्लियर है, आ जाओ चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। चलो हाँ, बाकी एंटिटी को तो तू जानता नहीं है भाई, क्या ही बताऊँ। नहीं जानता यार मैं। हाँ अब क्या ही बताऊँ, इधर से आएगा वो बंदा, इधर से। अच्छा हाँ यहीं से आएगा, सामने से, वेट करते हैं थोड़ी देर उसका। चलो। अरे भाई ये क्या कर दिया टोनी, सॉरी ब्रो यार, मैं मेरे को मारना पड़ा टोनी भाई। फिर मैं बताया यार, मैं किसी को नहीं जानता यार, तेरे पे ट्रस्ट करके आया था मैं यार। देख समझा कर टोनी, मेरे को ये करना पड़ा क्योंकि मैं इसके बाद में नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ मेरे को ना शक है, बहुत मेरे को बहुत बहुत मैं मुसीबत में हूं। अरे यार मैंने बोला यार, मैं से तो यार मर रहा हूँ यार अभी, तू मत, को मरना पड़ेगा यार, क्योंकि अब ये तो मरना जरूरी है भाई। देख क्योंकि मेरे को तेरी इन्वेंटरी देखनी है, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा हुआ जो कि तू एंटिटी से मिलता है, तो फिर समझ ले कि तूने झूठ बोला मेरे से। नहीं भाई झूठ क्यों बोलो यार, मेरे को जरूरत ही नहीं है यार। तेरे को सामान टोनी, तेरा सामान मिल जाएगा, अगर जो चीज़ मैं ढूंढना चाहता हूँ वो मेरे को नहीं मिली ना वहाँ पे, तो फिर मैं तेरे को सामान दे दूंगा तेरा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो टोनी मर चुका है, एंड मेरे को उसका सामान चेक करना है। ठीक है इसको तोड़ो जल्दी तोड़ो, देखो ना टोनी का सामान चेक करना कुछ भी करके। यहाँ से टोनी का सामान तो कुछ था यार, अरे मैं पानी नहीं भर पा रहा यार इधर। ओके ये रख दिया, ठीक है ये रहा टोनी का सामान इधर ही है, मैं उठा लेता हूँ एक बार, क्या इसके पास में नहीं यार इसके पास वो नहीं है। अरे यार इसके पास वो नहीं जिसके लिए हम आए थे, वो है ही नहीं इसके पास में, इसके पास ट्राइडेंट नहीं है। हेलो चीप, इसके पास ट्राइडेंट नहीं है, मतलब उस बंदे ने हमको झूठ बोला। ओ भाई उसकी तो अभी रुक जाए, उसकी तो बैंड बजाना बाकी है भाई, उसने हमको झूठ बोला, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, आर्मर है एक, बस सोड है और बस कुछ ब्रेड दे इसके पास में, तो गलत ही मार दिया यार, टोनी क्या सोचेगा। ठीक है क्या ही कर सकता हूँ मैं तो यार, टोनी को वापस लौटाना होगा सामान, टोनी अब जब भी मिलेगा, पर अभी उस बंदे की बैंड बजानी है यार। रुक जाओ उस बंदे के पास चलते हैं, रुक जाओ पहले तो, चलो उस बंदे के पास चलते हैं, और वो बंदा गया काम से अब समझो, चलो चलो उस बंदे के पास चलते हैं, लेट्स गो। यहीं कहाँ से था, यहीं से था वो, मैं भूल गया फिर से। ओके चल 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 लेट्स गो, यहाँ से अब वो बंदा गया मेरे हाथ से भाई, कहाँ है, चल चलते। अबे ये बाहर कैसे आ गया, हटो तुम, हटो तुम, हटो 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 हटो, इसको उठाओ इसको उठाओ इसको उठाओ इसको उठाओ इसको इसको तोड़ो इसको तोड़ो, भाई ये बाहर कैसे आ गया, निकल अंदर अंदर देख लो, अंदर देख लो इसको, अंदर देख लो इसकी तो ये। अच्छा अरे भाई रुक रुक, अबे पोशन डालो इसके ऊपर यार, कैसे आ गया ये, दो कैसे हो गए, कहाँ गया चीप पोस्ट, मेरे को मिल्क का मिल्क दो, मेरे को मिल्क पकड़ दो, मेरे को मिल्क पकड़ दो, मेरे पे पोशन लग गया। ओके ठीक करेगा। ओके तो भाई पता नहीं ये दोनों लोग कैसे, एक इधर दोनों सेम लोग हैं। एंड हाँ जाके जल्दी से इसको बंद करो, पहले ब्लॉक लगाओ यहाँ पे भाई, ये इसको तो मैं बताता हूँ। हेलो भाई देखो कौन, इससे रुक जाओ इससे बात करता हूँ यार, ये बंदा तो था ऊपर से ये भी आ गया, दोनों सेम है भाई। ओके तो ये बंदा कुछ भी बताने को तैयार नहीं यार, ये काफ़ी फनी लग रहा है मेरे को, मैं इसको मार देता हूँ, इसको पूछता हूँ पहले, रुक जा भाई देखो ये बंदा कौन है, तुम जानते हो इसको, ये है कौन भाई, मेरे को भाई मना कर रहा, तुम्हारे जैसा ही दिख रहा है वो, देख तेरे साथ, चल ठीक है उसको भी छोड़ दूंगा तुम्हें भी छोड़ दूंगा, एंटिटी का सीक्रेट तुमने बताया वो बहुत गलत बताया, देख मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच बताओ तुमने जो भी एंटिटी का सीक्रेट बताया वो गलत बताया, टोनी को बेचारे को मरवा दिया तुमने, ऐसा नहीं मानेगा, रुक जा तू। ओके हाँ
बोल अब बोल, अब तो तू तेरे को परमानेंट ये मिल गया। निकल, बता 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 रहा है कि नहीं बता रहा? रुक जा रुक जा रुक जा, इसको इसको बेचारे को। ओके देख, तेरे सामने उसको मार रहा हूँ। देख वो भाई, वो ऐसा ही है क्या? रुक जा, इसको अब बताएगा तू क्या, तेरी छाया बताएगी इसको खत्म करने में। रुक जाओ पहले। A few minutes later. तो देखो चीप, बात ऐसी है, मेरे से नहीं मर रहा है, तू मारो भाई, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, किसको खत्म कर दो। देख लो भाई, तुम्हारा बिरादरी का आदमी तुम तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। रुक जाओ, मारो मारो चीप, इसको खत्म करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करो। क्रिटिकल मारो भाई, ये कैसा बंदा है, कितना शॉट खा लिया उसके बाद में नहीं मर रहा है। और इसका ट्राइडेंट, ये ट्राइडेंट देख कैसे पकड़ के रखा है, ये इसी का बिरादरी का बंदा है पक्का, मेरे को यकीन है। निकल भाई, मर जा यार अब तो, ये मरते इसका नंबर है उसके बाद। ओके लेट्स गो, मर गया इसका ट्राइडेंट, ट्राइडेंट मेरे को मिल गया। ट्राइडेंट पे कुछ इंचार्जमेंट नहीं था, ठीक है। देखा, तुम्हारे बिरादरी के आदमी को तुम्हारे ही सामने मार दिया, और तुमने जो गलत हमने बताया था ना गलत बंदे को, पहले तो एक बात बता, तुमने हमको झूठ क्यों बोला? खत्म करें क्या इसको भी, खत्म कर दे चीप, क्या बोलते हो? रुक जाओ, एक बार पूछ लेते हैं सच बताएगा क्या भाई? देख, तुम्हारे पास लास्ट एंड फाइनल चांस है, तू मेरे को बता कि सच बोलेगा कि नहीं एंटिटी के राज के बारे में। नहीं जैसा, हाँ जैसे वो बंदा मरा ना, हम मार देंगे तेरे को भी, हमको फर्क ही नहीं पड़ता। तो बोल भाई, सच बोल पहले तो, और तूने जो गलत पहले बताया, एक बात बता, तूने झूठ क्यों बोली? रुक जाओ, मैं इससे बात करके आता हूँ, एक बार रुक जाओ यार। ओके तो गाइज, मैंने इस वाले बंदे से बात किया, एंड हाँ, ये बंदा पहले झूठ बोल रहा था, इसने ये भी एक्सेप्ट किया, पर अभी इसने बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको भैया मौत का खौफ हो गया, इसके सामने इसकी बिरादरी के बंदे को ख़त्म किया है। अगर अब की बार झूठ हुआ ना, तो बेटा तू तो गया काम से। और हाँ, इसने बोला क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसने बोला है कि एंटिटी के कासल में एक पानी है, आई मीन एक ऐसा पानी है जिसमें हम पास्ट देख सकते हैं, और आगे जो हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सारा का सारा उस पानी में देख सकते हैं। तो इसने कहा हाँ ये तो है, क्योंकि जब हम एंटिटी के पास, आई मीन जब मैं एक एंटिटी के पास जब गया था, उस टाइम उसने मेरे को दिखाया था पास्ट की, जो पीछे पीछे जो भी चीज़ें बीती हुई है उसमें से कुछ सीन दिखाए थे। तो ये बात तो मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि इसको, बिकॉज यार इसके बारे में को भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं खुद फेस किया हूँ ऐसी चीज़ें। तो अब की बार पक्का तू सच बोल रहा है ना? हाँ, तो ये बोल रहा है कि अगर उस पानी को तुम हटा लोगे, आई मीन उस पानी को तुम सुखा के ले आओगे, आप किसी बकेट में भर के ले आओगे, तो एंटिटी की आधी पावर कम हो जाएगी, इसने ये बोला। और देखते हैं भाई, अभी हमको बस क्या करना होगा, अब जो भी वो पानी है उसको कुछ भी करके बाहर लाना होगा कासल से, सही है ना? अगर ये झूठ हुआ ना, तो अब की बार हम कुछ नहीं सुनेंगे। अगर ये झूठ हुआ कि उसके पानी लेने के बाद में भी वो उतना ही पावरफुल रहा ना, तो भैया तू गया काम से, समझ ले, तू तो मर जाएगा। और हाँ, जब तक अभी तेरे को ये ट्रेप रहना है। हेलो चीप, सुनो मेरी बात, चीप क्या कर रहे हो, सो रहे थे क्या? हाँ तो सुनो मेरी बात, अभी सीन ऐसा है कि ये बंदा हमको ऐसा बोला है, और तो अभी हम एंटिटी कासल में चलना होगा, एंड उसके पानी को सुखाना होगा, पहले तो ये हटाओ भाई, ये तुम्हारी अनब्रेकेबल। हाँ तो अभी उसके लिए सुनो, उसके लिए हमको वो चाहिए सुखाने के लिए, तो अभी हमें एंटिटी के कासल में चलना होगा, और एंटिटी कासल में वो स्पंज चाहिए, स्पंज। एक मिनट रुक जाओ, मैं स्पंज के बारे में से बात कर ही लेता हूँ, रुक जाओ। ओके, स्पंज के बारे में मैंने इसे बताया कि मैं क्या स्पंज लगा के वो सुखा सकता हूँ या बकेट में भर सकता हूँ, तो तूने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई।